मस्जिद की जगह थी या कब्रस्तान की। अगर जगह कब्रस्तान की नीयत से ली गई है और वहां कोई मुर्दा दफन कर दिया गया, तो अब ऐसी जगह के ऊपर जितनी जमीन कब्रस्तान के लिए एक्वायर हुई है, जहां तक कब्रस्तान का एरिया है, मस्जिद बनाना नाजायज है। इसी तरह अगर कोई जगह मस्जिद के लिए ली गई है, तो जहां तक मस्जिद का एरिया है वहां तक कोई कब्र बनानी जायज नहीं है। मस्जिद की जगह में कब्र और कब्रस्तान की जगह में मस्जिद बनाना जायज नहीं है। अगर किसी वजह से कभी मस्जिद के अंदर कब्र बना दी गई हो और वो जगह मस्जिद ही के लिए ली गई थी, तो अब मजबूरी ये है कि उसके साथ कोई दीवार खड़ी कर दी जाए। और अगर वो कब्र दाएं या बाएं या पीछे है, नमाज पढ़ ली जाए। सामने कोई कब्र नहीं होनी चाहिए जो दिखाई दे, दीवार उठा देनी चाहिए, उसकी एक शक्ल है, सामने कब्र दिखाई ना दे। अव्वलन तो यह चीज ही नाजायज है कि मस्जिद में कब्र बनाई जाए और कब्रिस्तान में मस्जिद बनाई जाए। लेकिन अगर किसी वजह से बन गई है, कभी लोग जहालत की वजह से बना दिए हैं, लेकिन जगह मस्जिद की थी और लोग नमाज पढ़ते रहे, तो अब सूरत हाल वही होगी कि दीवार खड़ी कर दी जाए और उसके बाद उसमें नमाज जारी रखी जाए, नमाज पढ़ी जा सकती है इस सूरत में।